हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आज हम फिर आ गए हैं एक और नई रीडिंग के साथ। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के नेक्स्ट 48 आवर्स कैसे बीतने वाले हैं, वो आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं या फिर वो क्या फील करते हैं आपके बारे में, हम ये देखेंगे। देखिए, ये रीडिंग जो है ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है, सभी के लिए है, सभी साइंस के लिए है, सभी जेंडर के लिए है। सो अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, अगर नहीं करती है तो भी बताइएगा। एंड ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट करे, तो प्लीज़ कीप इन अपन माइंड, अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती तो आप वीडियो को मत देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर के 48 आवर्स कैसे बीतने वाले हैं और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वो आपके लिए कैसा फील करते हैं। सो गाइज, अगर आप मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं और मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरी वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके ही आगे मैं कार्ड्स को शफल करूंगा और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग निकालेंगे, वो आपके बारे में क्या फील करते हैं ये देखते हैं। थ्री ऑफ सोच, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, द सन, राइट, जस्टिस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एट ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखिए, जो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है, अगर मैं करंट फीलिंग की बात करूं तो अभी तो वो बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। और यस, थर्ड पार्टी बहुत ही हाईली मतलब काम कर रही है आप दोनों के रिलेशन के बीच में, बहुत ही ज़्यादा उनका इंटरफेरेंस है और बहुत ही ज़्यादा उनकी प्रेजेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में। और थर्ड पार्टी को लेकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज चल रहे हैं, वो सोच रहे हैं या तो आपकी तरफ या फिर किसी मतलब थर्ड पार्टी की तरफ। बहुत ही ज़्यादा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। देखिए, जो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ से दिखाई दे रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टी ज़रूर है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग्स है और जो उनका मतलब अगले जो उनके 48 आवर्स होने वाले हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं इस थर्ड पार्टी को लेके। थर्ड पार्टी के बारे में बहुत सोचेंगे वो। मे बी वो सोच रहे हैं कि मैं एक नई शुरुआत करूं या तो आप ही के साथ या फिर थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि वो कोई नई शुरुआत ज़रूर करेंगे मे बी, या तो इन 48 आवर्स में वो कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर लेने वाले हैं। पर वो डिसीजन लेने से पहले उनको बहुत ही ज़्यादा अभी मतलब परेशानियों से घिरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में, जैसे कि आप एट ऑफ सोर्ड्स को देख सकते हैं। बहुत ही उनको मतलब ऐसा फील हो रहा है इस टाइम पर कि मैं क्या करूं, मुझे खुद खुद को समझ नहीं आ रहा। और उनकी सिचुएशन अभी ये हो रखी है, हैंगमैन बने हुए हैं वो इस टाइम, हैंगमैन की सिचुएशन में वो कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। गॉड डिले दिख रहा है बहुत ज़्यादा मुझको। मे बी अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन गलत भी हो सकता है उनकी लाइफ में। येस, क्योंकि देखिए यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि वो उस डिसीजन को लेकर भी बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, कंफ्यूजन चल रहा है उनकी लाइफ में। और मे बी वो कंफ्यूज हैं अपने करियर को लेके, अपनी फैमिली को लेके, आपको लेके, थर्ड पार्टी को लेके, बहुत सारे सिचुएशन से मुझे वो कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। बट एट द एंड
हमारे पास सन कार्ड आया है, यस कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा। ये 48 आवर्स बीतने के बाद मे बी अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं आफ्टर 48 आवर्स, बिकॉज हमने अभी 48 आवर्स की ये रीडिंग हम कर रहे हैं, तो मे बी इन 48 आवर्स के बाद अगर वो कुछ सोचते हैं, मे बी वो कुछ पॉजिटिव हो, मे बी वो मतलब डिवाइन टाइमिंग के बेसिस पर हो, गॉड टाइमिंग के बेसिस पर हो, क्या पता वो गॉड के गाइडेंस के अंडर वो डिसीजन आए, तो मे बी हमें अभी तो हमें गॉड पर ट्रस्ट रखना है, एंजल्स पर ट्रस्ट रखना है और नेचर पे ट्रस्ट रखना है, बिकॉज ये कार्ड ही कई कार्ड बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर गॉड है, नेचर है, एनिमल है, मतलब वो हर चीज़ है जो नेचर से बिल्डअप होती है, तो मे बी नेचर कुछ ना कुछ अपना अपनी भूमिका निभा रही है आप दोनों के रिलेशन के बीच में। येस विक्ट्री है, विक्ट्री ज़रूर है, बिकॉज देखिए यहाँ पर गॉड कार्ड है, हमारे पास जस्टिस कार्ड है, गॉड कोई ना कोई जस्टिस करेंगे, विक्ट्री है, मे बी विक्ट्री भी है, और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर कुछ इशूज़ भी दिख रहे हैं, मे बी कास्ट इशू है, मे बी फैमिलीज के प्रेशर्स हैं, कुछ पीयर प्रेशर्स बने हुए हैं आप लोगों के ऊपर, बट यस गॉड जस्टिस करेंगे, गॉड है हमारे साथ और आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। और मे बी देखिए जैसे कि मैं यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स देख रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो आदमी वो बंदा चाहता है कि या तो वो बहुत पैसा कमाए, अपना करियर स्ट्रांग करे, मे बी वो करियर को लेके भी कन्फ्यूज हो सकता है, बट यस थर्ड पार्टी प्रेजेंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी के कार्ड्स आए हैं, तो हो सकता है उनके फादर उन पर प्रेशर बना के बैठे हों कि तुम जॉब करो, कोई अच्छा करियर बनाओ, कुछ करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मतलब बहुत ही अभी उनकी लाइफ की जो सिचुएशन चल रही है बहुत ही डिफरेंट चल रही है अभी उनकी लाइफ में, बट यस उनकी ये जो 48 आवर्स हैं अभी, जो उनके 48 आवर्स अब आएंगे, जो अब शुरू होने वाले हैं, उनमें उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। यस मैं बता दूं कि अगर उन 48 आवर्स में वो कोई भी डिसीजन हड़बड़ाहट में या फिर बहुत ही इमेच्योर वे में कोई भी एक डिसीजन ले लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आप दोनों के बीच में, और यस थर्ड पार्टी की प्रेजेंस को भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मे बी वो 48 आवर्स में यही सोचे, क्या मैं थर्ड पार्टी को ख़त्म कर दूँ या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म कर दूँ या फिर मूव ऑन कर जाऊँ नई चीज़ों की तरफ, बट यस कुछ ना कुछ तो नया होगा आप दोनों की लाइफ में, मे बी वो आपके पास वापस आ जाए, मुझे इन कार्ड से पता लग रहा है, पर यस अभी तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है, कन्फ्यूजन में कन्फ्यूज है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में है, और यहाँ से हम कन्फ्यूजन देख रहे हैं, यहाँ से हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, घिरे हुए हैं सिचुएशनों से, तो मे बी मुझे लगता है कि अभी तो वो कोई डिसीजन नहीं लेंगे, कोई डिसीजन भी नहीं, कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, जब वो डिसीजन लेंगे वो डिवाइन टाइमिंग के बेसिस पर ही होगा, गॉड टाइमिंग के बेसिस पर ही होगा, और आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे पास जस्टिस कार्ड आया, गॉड आपको जस्टिस देंगे, गॉड को भी, गॉड भी देखते हैं हर चीज़ को, तो मे बी गॉड आप ही को जस्टिस दें और आप दोनों का वापस से रिकन्सिलिएशन हो जाए। तो गाइज ये थी हमारी आज की रीडिंग, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपसे ये वीडियो रेजोनेट हुई है, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तो चलिए बाय, नमस्ते।